कोडी पुल के पास रविनगर की ओर जाने वाले रास्ते की हालत काफी टाइम से खराब थी। कई मर्तबा मीडिया में इस मामले की खबरें भी प्रमुखता से दिखाई और छापी गई थी। सड़क की हालत इतनी खराब थी कि गाड़ियों का चढ़ना उतरना भी दूभर हो जाता था। मुख्यमंत्री ने सड़क की हालत दुरुस्त करने के लिए 2 लाख रुपए भी दिए थे, लेकिन जमीन का विवाद कोर्ट में होने के कारण इस पर कोई काम ना हो सका। अब कोर्ट का फैसला आ गया है और इस सड़क पर टायरिंग का काम शुरू हो गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इस काम को करवा रहे कॉन्ट्रैक्टर धर्म सिंह जामवाल। ऐसा था, यहाँ डिस्प्यूट था जमीन का, अभी वो कोर्ट से फाइनल हुआ तो पेट्रोल डंडवाकार की जगह ये यहाँ एक लाला जी हैं पंडित जी, उनकी बेटी है। और यहाँ एक मंत्री साहब ने यहाँ 2 लाख रुपये पहले दिए थे काम कार्य करने के लिए, वो कार्य इस कारण नहीं हो सका क्योंकि यहाँ पर कोर्ट केस था। कोर्ट के सब ये डिसीजन हुआ तो ये जमीन जो है अक्वायर कर ली गई है। अब जा कर के ये जमीन जो है अब ये कार्य लगा हुआ है, वो तो विदिन 2 हफ्ते के अंदर ये टायरिंग हो जाएगी और यहाँ एक ग्रेड भी बन जाएगा इसका, क्योंकि यहाँ ग्रेड नहीं था और इसे गाड़ियाँ नहीं चढ़ती थी लोगों की। अब इसका सोलिंग और बिरिंग और टायरिंग का काम कार्य स्टार्ट है और ये 2-4-5-6 दिन में खत्म हो जाएगा। सर कितने बजट में हो रहा है कार्य? ये 2 लाख रुपये का।